आज की ये वीडियो मैथ से संबंधित है। आज का प्रश्न है आपके सामने, यदि ए रेशियो बी बराबर 7:9 और बी रेशियो सी बराबर 3:5 है तो ए रेशियो बी रेशियो सी किसके बराबर है। चलिए इसको हल करते हैं। हल करने से पहले अगर चैनल पर नए आए हैं अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया कर दीजिएगा, क्योंकि हमारे चैनल पर ऐसी नॉलेज प्रतिदिन अपलोड करी जाती है। नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल जरूर ऑन करिएगा। ध्यान दीजिएगा, प्रश्न में दिया है ए रेशियो बी बराबर 7:9 और बी रेशियो सी बराबर 3:5। ठीक, क्लियर। अब हमें ए रेशियो बी रेशियो सी का मान निकालना है। कैसे आएगा? सबसे पहले इस बी को आप फर्स्ट मानिए और इस बी को आप सेकंड ले लीजिए। ठीक, क्लियर। अब हम ए रेशियो बी रेशियो कैसे निकालेंगे, ए रेशियो बी रेशियो सी कैसे निकालेंगे भाई? ए का यहाँ पर क्या है, इसमें ए का मान 7 है ना, लिख लीजिए। फिर थोड़ा डिस्टेंस करके लिखिए क्योंकि मल्टीप्लाई करना है। फिर डिस्टेंस करके बीच में बी का मान यहाँ पर क्या है 9 और यहाँ पर बी का मान क्या है 3। आपस में मल्टीप्लाई कर दो बी के मान को दोनों, यहाँ पर बी के मान का 9 और यहाँ पर बी का मान 3, आपस में मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक, इतना किया। सी का मान क्या है यहाँ पर, सी का मान 5 है, कर दीजिए यहाँ पर। फिर मल्टीप्लाई करना है भाई, अभी अब मल्टीप्लाई कैसे क्या कहाँ करना है ये भी नहीं पता अभी। ध्यान दीजिएगा, जो सेकंड बी बी का मान है 3, ठीक, इसको आपको ए वाले से मल्टीप्लाई करना है 7 के मान से। कितना है बी का मान, सेकंड बी का मान 3। ठीक, याद रखिएगा, ट्रिक इम्पॉर्टेंट है, हमेशा आपके लिए काम देगा। ठीक है, तो सेकेंड बी को पहले वाले ए से मल्टीप्लाई करना है आपको, और जो फर्स्ट बी का मान है यहाँ पर क्या है 9, इसको लास्ट मतलब सी के मान से मल्टीप्लाई कर देना है। बस 7:21 हो जाएगा, रेशियो 9:27 हो जाएगा और 5:45। ठीक, यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही होगा? यहाँ पर आप इसको सरल भी कर सकते हैं, 3 से कट जाएगा तो 3 × 7 = 21, 3 × 9 = 27 और 3 × 1 = 3, 3 × 5 = 15, मतलब 7:9:15। यहाँ पर 7:9:15 है, सी ऑप्शन सही होगा, 7:9:15। यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो आई होप कि आपके समझ में आ गया होगा। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। चैनल पर नया आए हैं अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिएगा, क्योंकि हमारे चैनल पर ऐसी नॉलेज वीडियो प्रतिदिन अपलोड करी जाती है। नोटिफिकेशन आने के लिए बेल जरूर ऑन करिएगा।